सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदो अखिलो धर्ममूलम्, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है। वैदिक जीवन पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदोक्त वाणी व्यवहार, और निरंतरता के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी सुधी दर्शक, सभी हमारे जो है श्रोताओं को मैं बहुत हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। एक भी शब्द हमारे जीवन में उतर जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हम भवपार उतर जाते हैं, उद्धार हो जाता है, सुधार हो जाता है जीवन और जगत का। इसलिए नित्य प्रति स्वाध्याय की जो महिमा हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने गाई है, अत्यंत ही महनीय है। इसलिए हमको निरंतरता से गतिशीलता के साथ इसको धारण ही करना परम कर्तव्य हमको लगता है और करना ही चाहिए, क्योंकि नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो। ये जीवन और जगत के कल्याण के लिए ये स्वाध्याय संसार की गतिविधि को, संसार के व्यवहारों को भी, हम अन्य अन्य कार्य में लगे रहते हैं और इसके लिए समय निकालते नहीं, लेकिन जो इसके लिए समय निकालता है उसका जीवन अत्यंत ही कल्याणकारी हो जाता है। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, प्राप्त सद्ज्ञान एक दिन हो जाएगा, शांति होगी परम, भ्रांति मिट जाएगी, ताप अवसानों का ये सब जो है ढल जाएगा, पाप ताप संताप सब नष्ट होंगे। लेकिन यह कार्य तो हमको करना पड़ेगा, तो हम एक मंत्र का कम से कम रोज स्वाध्याय कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आइए आगे चर्चा करते हैं। आज हम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के नवे सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। सहस्त्रम भरहा शुचि जिह्वा, पवित्रता से शुचिता से हमारा जीवन हो और हम अच्छे शुद्ध विचार वाले हों, हमारी वाणी भी शुद्ध हो पवित्र हो। वेद मंत्र लिखता हूँ फिर चर्चा करूँगा। ओम निहोता वृत्रिषदने, निहोता होत्रिषदने, विदानस्त्वेषो
विदानस्त्वेशो दीदिवाम असदत् सुदक्षः असदत् सुदक्षः अदब्ध व्रत अदब्ध व्रत प्रमतिर वशिष्ठः सहस्रंभरः सहस्रंभर भरः शुचि जिह्वो अग्निः ऋग्वेद के दूसरे मंडल के नौवें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम निहोता होत्रिषदने विदानस्त्वेशो दिदिवाम असत् सुदक्षः अदब्धव्रत प्रमतिर्वशिष्ठः सहस्रं
भरासु जिह्वो अग्निः, शुचि जिह्वो अग्निः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। यहां कहा है कि यह मानव शरीर होत्री सदन कहा गया है, इसमें सप्त होत्रिक यज्ञ निरंतर चलता है। सात प्रकार के यज्ञ निरंतर चलते हैं और बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि कर्णा विमौ नासिके चक्षुषी मुखम, दो कान, दो नासिका छिद्र, दो आंखें मुख, दो आंख हो गई, दो नासिका छिद्र हो गए, दो कान हो गए, एक मुख, सात, ये सात होता है। इन सात होताओं वाला यज्ञ यहां मन के द्वारा चलाया जा रहा है। ये सात होता ही सप्तऋषि जो कान गौतम भरद्वाज हैं, आंखें विश्वामित्र जमदग्नि हैं, नासिका वशिष्ठ कश्यप हैं, वाक अत्रि हैं। इस होत्री सदन में यह सर्व महान होता हमारे जीवन यज्ञों को चलाने वाले, सब कुछ देने वाले प्रभु नि असदत निश्चय से आसीन होते हैं। वे प्रभु विदानः सर्वज्ञ हैं, त्वेषः तेज से दीप्त हैं, तेजस्विता से युक्त हैं, प्रकाश पुंज हैं, सबको प्रकाश देने वाले हैं। दी दीवान ज्ञान ज्योति से जगमगा रहे हैं। सुदक्षः प्रवृद्ध बल वाले हैं। वे प्रभु अदब्ध व्रत प्रमति ही ना नष्ट व्रतों व प्रकृष्ट बुद्धि वाले, अर्थात उनका व्रत कभी नष्ट नहीं होता, उनका संकल्प, उनका जो विधान है वो कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होता है, वो सदा बना रहता है। कहा कि वो ना नष्ट होने वाले व्रत व प्रकृष्ट बुद्धि वाले हैं। प्रभु के व्रत नियम अटूट हैं, वे प्रभु बुद्धि पूर्वक इन नियमों को बनाते हैं तथा ये नियम अपने आप में पूर्ण हैं। संसार का नियमन पूरे पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक के नियमन को वो प्रभु ही अपनी दिव्य शक्ति से, अपने सामर्थ्य से सबको संभाल करके रखने वाले हैं। वो कभी भी अपने नियमों का उल्लंघन करते नहीं और उन कोई भी संसार में कितना भी बलशाली हो प्रभु के नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसलिए कहा कि ये नियम पूर्ण है और अपरिवर्तनीय है, ये परिवर्तन को नहीं प्राप्त होते हैं। वशिष्ठ वे सबको अधिक से अधिक उत्तम निवास वाले या निवास देने वाले हैं। वे वसुओं में श्रेष्ठ हैं, सहस्त्रम भरः सहस्त्रम सर्वम सबका भरण करने वाले हैं। शुचि जिह्वा पूर्ण पवित्र वाणी वाले हैं। उनकी सृष्टि के आरंभ में उच्चरित यह वेद वाणी भी निर्दोष है, उसके द्वारा ही अग्नि हमें निरंतर आगे ले चलने में सामर्थ्य वाली है। हम इन गुणों को धारण करें, हम प्रभु के स्वभाव को अपना स्वभाव बना लें, शुचि जीवा वाले बन जाएं, शुचिता पवित्रता से युक्त हमारा जीवन हो, हम एक पल के लिए भी नैराश्य पूर्ण जीवन न जिए और ज्ञान व धन के द्वारा अपने जीवन को सदा ही आगे बढ़ाते रहें। ज्ञान का संदेश देने वाले हम बने,
क्योंकि उस प्रभु की शक्ति हमारे अंदर कार्य कर रही है। अगर हम आलस्य प्रमाद में या ये कहें कि केवल टालते हुए हम कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में देखा जाएगा, यदि ऐसी भावना रहती है तो व्यक्ति कभी भी संभल नहीं पाता, क्योंकि ये जो पल है ये कल आए ना आए हमको कोई पता नहीं है। ये श्वास जो चल रही है, अभी चल रही है, ये श्वास बाहर गई, श्वास प्रश्वास का अंदर बाहर आना जाना ये सुनिश्चित नहीं है। इसलिए हमको जब भी जो शुभ कर्म है, जो अध्यात्म का जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उसको जरूर करना चाहिए। प्रभु ही हमारे जीवन यज्ञ को चलाते हैं, वे ही ज्ञान दे करके हमें शुभ मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, आगे ले चलते हैं और सदा ही आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसमें दूसरे और तीसरे मंत्र में भी इसी प्रकार से बहुत सुंदर बात कही है कि हे प्रभु, आप ही हमारे लिए ज्ञान संदेश देने वाले हैं और इन ज्ञान के द्वारा ही आप हमें ज्ञान संदेश देने वाले हैं, हम सब सुखों का हमारे ऊपर वर्षण करने वाले हैं, आप ही उत्कृष्ट धन के सर्वथा प्राप्त कराने वाले हो। ज्ञान द्वारा आप हमें काम, क्रोध, लोभ आदि इन शत्रुओं से आप बचाते हैं, वाणी के दोष से बचाते हैं तथा धन देकर आप हमें भौतिक कष्टों से बचाने वाले होते हैं। हे प्रभु, हे परमात्मन, आप अपरिच्छन किसी प्रकार का जो है किसी प्रकार का प्रमाद ना करते हुए दिद्यत दीप्ति से शोभित होते हुए हमारी संतानों का पौत्रों के विषय में नहा और हमारे शरीरों का बोधि ध्यान करिए, अर्थात आप ही इन्हें सारे ब्रह्मांड की रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा करिए, हमारे संतानों की, घर परिवार की, हमारे गौओं की रक्षा करिए और प्रभु ही ज्ञान व धन दे करके हमारा रक्षण करते हैं, हमको संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं और हम दुखों से, कष्टों से बच जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें कहा तीसरे मंत्र में कि जायते अस्मिन इति जन्मना, इस व्युत्पत्ति से लोक व मस्तिष्क परम जन्मन है, यह प्रभु के प्रकाश का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। इस मस्तिष्क में ज्ञान प्रकाश के द्वारा हम प्रभु का दर्शन करते हैं। हे परमात्मन, हम इस सर्वोत्कृष्ट प्रादुर्भाव के स्थान पर मस्तिष्क में ते आपका पूजन करते हैं। हृदय मस्तिष्क के बीच होने से अवर कहलाता है, मस्तिष्क रूप द्युलोक हृदय अंतरिक्ष से ऊपर है ही, यह आत्मा परमात्मा दोनों का मेल है, अतः यह सदस्थ सहस्थ कहलाता है। इस अवरे सदस्थे अवर सदस्थ में अर्थात हृदय अंतरिक्ष में स्तोत्रों के द्वारा हम आपकी परिचर्या करते हैं। मस्तिष्क में ज्ञान के द्वारा प्रभु का पूजन था तो हृदय में स्तवन के द्वारा यस्मात योने है, जिस उत्पत्ति स्थान में आप उदारिथाहा उद्गत होते हैं, प्रादुर्भूत होते हैं, मैं तम यजे उस यज्ञ रूप योनि अर्थात जो जीवन और जगत के कल्याण का उद्गम स्थल है, उससे मैं अपने आप को संगत करता हूँ, प्रभु से अपने आप को जोड़ता हूँ। जब मनुष्य इस शरीर के अवयवों के हाथों से यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त होता है तब वह यज्ञों से उस यज्ञ रूप प्रभु का ही पूजन कर रहा होता है, वाणी से जो बोलता है उस प्रभु के ही स्तुति वचनों के रूप में वह अपना आत्म कल्याण और विश्व कल्याण सुनिश्चित करता है। हम अपने मन, वाणी और शरीर को पवित्र बनाते हुए सदा ही उस प्रभु की गुण गाते हुए जीवन के प्रत्येक कर्म को बहुत ही सुरक्षित व्यवस्थित रूप से करने का प्रयत्न करें। और यह जो मानव जीवन है ये बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको पा करके अच्छा बनाएं। और बहुत सुंदर बात कही है कि यदि हम अच्छा जीवन जी पाते हैं, प्रभु का विधान, उसके संविधान को हम
माने जाने और जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। प्रभु का जो विधान है उसको हम जीने का प्रयत्न करें। संसार के व्यापार में हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, आसक्ति नहीं, वासना नहीं, उपासना के साथ, भक्ति के साथ जीवन को जिए। और इस प्रकार से जीवन को जिए ईश्वर की भक्ति में तो कल्याण ही है, और यदि संसार में फंसे तो अकल्याण ही है। बहुत सुंदर बात कही है कि मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, पड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा कब तलक सोता। जो इच्छा है तेरे कट जाए सारे मैल पापों के, प्रभु के प्रेम जल में क्यों नहीं अपने को तो धोता। विषय और भोग में फंसकर न कर बर्बाद ये जीवन, दमन कर चित्त की वृत्ति लगाने योग में गोता। नहीं संसार की वस्तु कोई भी सुख का हेतु है, वृथा इनके लिए क्यों फिर समय अनमोल खोता है। न पत्नी काम आएगी न भाई पुत्र और पोता, धर्म ही एक ऐसा है जो साथी अंत तक होगा। भटकता क्यों फिरे नाहक तो सुख के लिए ऐ मूरख, तेरे हृदय के भीतर ही बड़े आनंद का स्रोता। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, पड़ा आलस में मूरख रहेगा कब तलक सोता। ये जो जीवन है प्रभु की प्रीति के लिए है, हम प्रभु से प्रीति लगाएं। और संसार के कलमस को, कालिक को, संसार के संकीर्ण भावों को हम छोड़ करके जब अपने मन और वाणी से प्रभु के बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के आगे बढ़ते हैं तो संसार में कौन हमको पीछे कर सकता है। हम विजयी होंगे, हम अटल और सफल सक्सेसफुल जीवन जी पाएंगे। तो आगे और हम वेद मंत्र को लेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगले मंत्र में करेंगे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।